हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल दिस साइड किरण और आज मैं करने वाली हूँ पेडी की और घर पे सैलान में भी मैंने कभी नहीं कराया घर पे करके देख रही हूँ यार सैलॉन में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं तो घर पे मैंने सोचा कि पेडी की और करती हूँ तो कुछ चीज़ें मैंने लिए जैसे कि शैम्पू और ये ब्लैक रिमूवर और ये ब्रश एंड ये स्क्रबर फ्यूमिक्स स्टोन है थोड़ा सा नमक है और कॉटन है ये चीज़ें बेसिक होती हैं जो ज़रूरी आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकते देन बेसिक चीज़ चीज़ें आपको जो शैम्पू डाल लेना है और हाँ पानी आपको गर्म लेना है ये नहीं कि गुनगुना गर्म पानी जितना आपके पैर मतलब उसमें आप डालो और बियर कर सको उसमें शैम्पू और नमक डाल के अच्छे से उसको फोम अप कर देना है उसके बाद अपने पैरों को आराम से उसके अंदर डुबा लो और थोड़ा गर्म लगेगा तो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाओगे आप डोंट वरी मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया था उसके बाद आराम से पैर रख के अपना भिगो के आराम से बैठ गई थी और बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा था यू नो आप ना सेल्फ केयर अगर वीकली बेसिस पे अपना मेनी क्योर या फिर अपना स्किन केयर करते हो देन आपको बहुत ही अच्छा फील होता है सबसे पहले अब मैंने अपने स्क्रबर से सारी अपनी डेड स्किन सेल्स को अपने नेल्स को मसाज किया इस ब्रश की हेल्प से ये ओल्ड ब्रश है बाय द वे मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ कभी आप सोचो कि इसी से ब्रश कर लेती है और इसी से पैर अपने साफ कर रही है नहीं ऐसा नहीं है ये पुराना ब्रश है तो उसके बाद मैंने प्यूमिक स्टोन से अपनी जितनी भी डेड स्किन सेल्स थे उसको रिमूव किया पैरों से पहले स्क्रबर से उसको स्क्रब किया उसके बाद ये प्यूमिक स्टोन से मैं रगड़ रही हूँ जिससे कि डेड स्किन सेल जो है हट जाए फॉर ऑल द गर्ल्स हु लव टू स्टाइल देयर हेयर्स बट दे दे डोंट हैव दैट दैट मच ऑफ टाइम गो टू एंड गेट द थिंग्स डन आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज अगारोज हेयर वॉल्यूमाइजर ये वॉल्यूमाइजर आपके हेयर्स को सेलोन लाइक फिनिश देता है विदाउट गोइंग टू सेलोन आप घर पर ही अपने बालों को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं विद दिस अगारो हेयर वॉल्यूमाइजर इसके बहुत ही फाइन ब्रिसल्स हैं आपको इसमें कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने की जरूरत नहीं है आपके बालों को ड्राई करता है एंड स्टाइल भी एट द सेम टाइम करता है इसमें ये रोटेटिंग आपको एडजस्टमेंट स्पीड सेटिंग्स मिल जाती हैं और ये इसकी यूजर मैनुअल है इन विच यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट इसको कैसे यूज़ करना है बेसिकली इट इज़ अ यूजर मैनुअल आप इसे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इट हैज़ वन ईयर ऑफ वारंटी एडजस्टेबल स्पीड एंड थ्री हीट सेटिंग्स इट नॉट ओनली वर्क एज अ हेयर ड्रायर बट इट ऑल्सो एड स्टाइल टू इट एज आई वॉज ट्राइंग दिस आउट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम I was just going back and forth, back and forth, and look at the results it gave me. It comes with activated charcoal bristles which detangles your hair, and while using the brush, it doesn't get really hot and it doesn't burn your scalp. What I really like about this product as it helps in fast drying and it gives volume to your hairs. I'm so happy and so satisfied with the results. Now you can style your own hair at home and get a professional look like a salon. I'll be given links in the description box and don't forget to check. दिस आउट पैरों को स्क्रब करने के बाद अब बारी आती है नरिशमेंट की तो मैंने लिया है ये फुट मास्क आई डोंट नो द ब्रांड्स नेम ब्रांड का नाम मुझे नहीं पता बिकॉज काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको लिया था एंड ये ऐसे ही रखा हुआ है सो so, आज फाइनली टाइम मिल गया इसको यूज़ करने का तो ये इसको मैंने कुछ नहीं करना आपको जस्ट इसको कट कर लेना है ये एक साथ ही जॉइंट आया था इसको मैंने बीच में से कट किया एंड जस्ट आपको पहन लेना है अपने पैरों पे पैर साफ़ होने चाहिए मेक श्योर sure बिल्कुल भी गंदे पैरों पर पे ना पहने एक्सफोलिएशन के बाद सबसे बेस्ट टाइम है अपने पैरों पर इस मास्क को पहनने का जिससे आपकी डेड जो न्यू सेल्स हैं उनको रिजुवनेट करेगा और आपकी पैरों पर पे जितनी भी टैनिंग वगैरह है जितनी भी हार्ड ड्राइनेस है उसको ख़त्म कर देगा तो मैंने इसको अच्छे से पहन लिया और इसको 20 से 25 मिनट तक आपको ऐसे ही रखना है उसके बाद इसको रिमूव करना है तो इसको पच्चीस से मतलब मैंने आधे घंटे तक इसको वेयर किया था उसके बाद जब मैंने इसको रिमूव किया तो मेरे पैर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और मतलब सॉफ्ट लग रहे थे एक तो मैंने पेडिक्योर भी किया था मतलब उसके बाद जब मैंने इस मास्क को लगाया ना बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट आया मुझे देखने को मिला इसके अंदर बहुत स्टिकी स्टिकी सा लिक्विड था लेकिन इसने मेरे पैरों को काफ़ी अच्छे से नरिश कर दिया मुझे कोई पैक लगाने की नीड नहीं हुई बिकॉज ये ऑलरेडी इतना नरिशिंग था तो मैंने सोचा कि यहीं पे बस स्टॉप कर देते हैं इस पेडी को इसके आगे मैं कुछ नहीं करने वाली थी सो so, फाइनली मेरे पैर बहुत ज़्यादा क्लीन एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहे थे फाइनली uh, मैं कोटिंग करी थी नेल पेंट के साथ बेसिक सी मैंने ब्राउन कलर की नेल पेंट लगाई इसके बाद एंड कोई भी मैं एक्स्ट्रा Uh, मतलब नेल आर्ट वगैरह नहीं करने वाली सिंपल मैं नेल पेंट लगाऊंगी सिर्फ़ एक ही कोट एंड दैट्स इट फॉर टू वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी मेक श्योर टू लाइक इट एंड बाय